नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। यह उत्तर प्रदेश की झांसी है और यह झांसी का बेहद खूबसूरत नज़ारा है। झांसी का यह बीकेडी से स्टेशन की ओर जाने वाला रास्ता है। मौसम जैसा कि आप जानते हैं लगातार बदल रहा है। ये देख सकते हैं आप, बादल छा रहे हैं, धूप निकल रही है, बारिश भी हो रही है और कई प्रकार के जो बदलाव अचानक में देखने को मिल रहे हैं उसने फिलहाल कई सारे सवाल खड़े किए हैं। इधर इन सवालों के बीच हम आपको बता दें कि कल झांसी में जो निकाय चुनाव को लेकर प्रचार का अंतिम दिन था वो समाप्त हो गया है और उसके साथ ही अब झांसी में जो कल मतदान होना है यानी 4 मई को मतदान होना है उसकी तैयारियों में सभासद और महापौर पद के प्रत्याशी जुट गए हैं। घर घर पर्ची पहुंचाने का काम किया जा रहा है, लोगों से पर्सनली मेल मुलाकात की जा रही है, जो गिले शिकवे हैं उन्हें दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, किसी भी तरह से सबको मैनेज करने की कवायद चल रही है। दरअसल आपको बता दें कि झांसी में 60 वार्ड हैं और इन 60 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के लगभग सभी वार्डों में प्रत्याशी खड़े किए गए हैं। हालांकि कई वार्डों में स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी से ही बगावत करने वाले निर्दलीय रूप में मैदान में हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के कई सारे सभासद के प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी ने भी करीब 20-25 वार्डों में प्रत्याशी उतारे हैं, बाकी वार्डों में उन्हें प्रत्याशी ही नहीं मिले। यही हाल कमोबेश बहुजन समाज पार्टी का भी है और सभी वार्डों में यदि देखा जाए तो निर्दलीय प्रत्याशी खुलकर मैदान में है। ऐसे में सभासद प्रत्याशियों का मुकाबला रोचक होने की संभावना है क्योंकि जो दल के प्रत्याशी हैं उनमें सबसे ज़्यादा फाइट जो लोकल स्तर पर सभासद के चुनाव में होती है वह निर्दलीय प्रत्याशियों से होती है। तो अब जो पर्ची बनाने का काम शुरू हो गया है, लोगों से मेल मुलाकात का काम शुरू हो गया है क्योंकि कल सुबह से मतदान शुरू होगा जो कि शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। झांसी में अगर हम आपको बताएं महापौर पद के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बिहारी लाल आर्य पर दाव लगाया है जबकि कांग्रेस की ओर से अरविंद कुमार बबलू मैदान में हैं और समाजवादी पार्टी से सतीश जतारिया जबकि बहुजन समाज पार्टी से भगवान दास मैदान में हैं और बुंदेलखंड क्रांति दल के भी प्रत्याशी महापौर पद के लिए मैदान में है। तो इस प्रकार से जो महापौर पद के लिए है वह मुकाबला थोड़ा कड़ा हो सकता है। हालांकि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनका प्रचार अंतिम दिन से एक दिन पहले ही थम गया था और कई सारे वह विवादों में भी घिर गए। जब उनका घोषणा पत्र जारी करने की बात आई तो पत्रकारों ने सवाल किया कि यह घोषणा पत्र पार्टी का है या प्रत्याशी का, तो इस पर सांसद जो पूर्व सांसद हैं माफ करें चंद्रपाल सिंह यादव, उन्होंने कहा कि हम हैं, हम तो बैठे हैं, हमसे आप स्टाम्प पर लिखवा लो कि जो कुछ कहा जा रहा है उसे लागू किया जाएगा। फिलहाल यह बात बात की है क्योंकि यह चुनाव के बाद ही पता चलेगा, जब प्रत्याशी जीतेगा तभी घोषणा पत्र की बात सामने आएगी। लेकिन अभी कल झांसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने साफ तौर पर अपनी जो हार्ड लाइन है कानून व्यवस्था की उसको आगे रखा और कहा कि बुंदेलखंड को हम बेहतर बनाने के लिए किसी प्रकार की कमी नहीं रहने देंगे। उन्होंने गुंडों के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है प्रदेश सरकार के द्वारा उसको पूरी तरह से फोकस में रखा। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उन्हें पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, पूर्व विधायक टमटम महाराज पूरी तरह से आगे रखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जो अंदरूनी खाने पर संगठन के लोग हैं उनको लेकर कार्यकर्ताओं की भी बड़ी शिकायत है। तो ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी के अच्छे होने के बाद भी संगठन स्तर पर खींचतान उनके लिए कितनी घातक होगी ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जो फाइट है उस फाइट में फिलहाल कांग्रेस के प्रत्याशी अपने को खड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इधर पुलिस प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां कर ली हैं, बाहर से कई जिलों से फोर्स मंगाया गया है और मतदान केंद्रों पर उन्हें पहुंचाया जा रहा है।
जिला प्रशासन पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है, क्योंकि कल जो मतदान होगा उसमें किसी प्रकार का व्यवधान ना पहुंचे, इसके लिए बड़े स्तर पर बाहर से भी काफ़ी सारा फोर्स आया है। काफ़ी सारे जो पुलिस के अधिकारी हैं बाहर के, वो भी यहाँ पर आए हैं। तो फिलहाल अब झांसी में तैयारियाँ जोरों पर हैं, क्योंकि आज का दिन ही ऐसा है जिसमें सभी प्रत्याशी, चाहे वह सभासद के हों या महापौर के हों, वह अपने अंतिम गलत को फिट करने में पूरी कोशिश करेंगे। कल सुबह से मतदान होगा, पोलिंग बूथों पर किस प्रकार से व्यवस्था होने हैं, यह व्यवस्थाएँ जुटने के लिए सब जो प्रत्याशी हैं उनके सहयोगी पूरी तरह से जुटे हुए हैं। अब यहाँ सवाल सबसे बड़ा यह है कि जिस प्रकार से झांसी में पिछले कार्यकाल में जो चुनाव हुए थे उसमें जितनी जीत भारतीय जनता पार्टी और निर्दलियों ने हासिल की थी, क्या वह उसी प्रकार से बरकरार रहती है, बढ़ती है या घटती है, यह तो आपको मतदान के बाद के परिणामों से पता चलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी को सभासद के प्रत्याशियों में सबसे कड़ी चुनौती जो अपने बागियों से मिलेगी उसको किस प्रकार से निपटती है पार्टी, यह देखना होगा। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, वो जब झांसी आए थे तो उन्होंने कहा था कि बागियों के लिए अब पार्टी में कोई जगह नहीं है, और करीब 22 लोगों को झांसी में पार्टी से निष्कासित भी किया गया है। यही कार्रवाई पूरे प्रदेश भर में भी की गई है। लेकिन सवाल यही उठता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लिए सभासद के इलाके हैं, उन इलाकों में निर्दलीय और बागियों से निपटना सबसे बड़ी चुनौती है। यही चुनौती सभी दलों के लिए भी है। अब निर्दलीय किस प्रकार से गेम खेलते हैं, यह बड़ा सवाल होगा और यह ही बड़ी रोचक तत्व होगी। तो फिलहाल झांसी में कल मतदान होगा, और आप सभी से मार्केट संवाद आग्रह करेगा, निवेदन करेगा कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें, क्योंकि यह मतदान आपके शहर, आपकी झांसी के विकास से जरूरी है। और आप सही प्रतिनिधि को चुनेंगे तो निश्चय ही झांसी के विकास में एक नई इबारत लिखी जा सकेगी, एक नया अध्याय लिखा जा सकेगा। तो हम आपको जल्द ही कुछ और नई खबरों के साथ जोड़ेंगे, तब तक आप देखते रहिए मार्केट संवाद की रिपोर्ट झांसी।